तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप अपने घर में आसानी से जुकीनी के पौधे कैसे उगाएं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे जुकीनी के पौधे हैं जो कि मैंने जो फ्रूट क्रेट होती है उसमें लगा रखी है, और उसी में इतने बढ़िया जुकीनी मेरे उगे हुए हैं। तो ऐसे ही करके आप भी अपने घर में जुकीनी के पौधे उगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले इसकी सीडलिंग तैयार करनी पड़ेगी, और सीडलिंग के बाद आप इसको किसी भी बड़े गमले या किसी पॉट में, या अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी सीडलिंग तैयार कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने इसी फ्रूट क्रेट में लगा दिए थे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मेरा ये एक पौधा है, एक पौधा दोस्तों ये है, और सभी में फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और दोस्तों एक पौधा मेरा ये है, सभी में फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों जो मैंने फ्रूट क्रेट में लगाया था वो है ये फ्रूट क्रेट, आप देख सकते हैं ये फ्रूट क्रेट ही है, इसी में सब लगे हुए हैं। तो दोस्तों सीडलिंग आपको इसकी तैयार करने के बाद ये है जो मैंने दोबारा सीडलिंग लगाई थी। सीडलिंग के बाद जब आप इसको ट्रे से निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से रहेंगी। ये मैंने इस वाले बड़े क्रेट में मैंने एक उसमें दो लगा रखा है, ये दो हैं इस वाले क्रेट में, ये दो हैं छोटे, और इस वाले क्रेट में भी ये दो हैं। तो टोटल मेरे पास 9 पौधे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास घर में कोई बड़ा 14 इंची का गमला या कोई फ्रूट क्रेट या उससे बड़े गमले हैं, तो आप अपने घर में एक ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी उगा सकते हैं जो कि है जुकुनी। तो ये मेरा ग्रीन वाला जुकुनी है, आप घर में येलो वाला भी लगा सकते हैं। तो दोनों वैरायटी की सीड आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, नहीं तो आप छोटे सैपलिंग्स भी इनके ख़रीद सकते हैं जो कि बहुत 10 या 15 रुपये में आपको आपके सिटीज़ में मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर अब हम बात करें इनके खाद और फर्टिलाइज़र की, तो दोस्तों मैं इन्हें गोबर की खाद देता हूँ, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, कोई भी मैं इसमें यूरिया DAP MOP कुछ भी नहीं डालता हूँ, ये प्योर ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों आप अपने घर में ऑर्गेनिक ही उगाएं, वरना तो फर्टिलाइज़र वाली तो आपको आपके मार्केट में भी मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें मैं गोबर की खाद इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें गोबर की खाद पड़ी हुई है, ये गोबर की खाद मैं हर 15 दिन में डालता हूँ। आप इसमें घर की बनाई हुई कोई भी खाद, चाहे वो चाय पत्ती की खाद हो या कोई भी लीफ कंपोस्ट या जो नॉर्मल किचन वेस्ट कंपोस्ट, आप उसके खाद डाल सकते हैं। और इसमें मैं हर 10 दिन में अपनी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालता हूँ जो कि किचन वेस्ट से बनाता हूँ। तो दोस्तों उसी के वजह से इतना बढ़िया रिज़ल्ट है। ये एक ही पौधा है, ये एक क्रेट में एक पौधा लगा रखा है मैंने, तो उसका ये रिज़ल्ट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी खाद एक बार, तब तक आप ये पौधे देखिए। दोस्तों ये है हमारी जो किचन वेस्ट की खाद होती है लिक्विड, वो है ये इतना मैंने यूज़ कर लिया है। तो आप ऐसी खाद बना के आप एक मग इसमें से लिक्विड निकाल के आप उसको 10 लीटर साफ़ पानी में मिला के तब दें। अगर आप ऐसे ही देंगे तो आपके पौधे ज़्यादा खाद या ज़्यादा किसी भी न्यूट्रिएंट की वजह से मर ना जाए या जल ना जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप ये फ्रूट देख सकते हैं, तो आपके फ्रूट में भी ऐसा कुछ हो सकता है जो ये फ्रूट काला पड़ जाए और टूट के गिर जाए। खैर मेरे में तो ये टूट के गिरा नहीं था, ये मैंने तोड़ा है ताकि बाकी फ्रूट ख़राब ना है। तो दोस्तों ये हुआ है पॉलिनेशन के कारण, तो दोस्तों इसकी पॉलिनेशन हो नहीं पाई है, तो इसके कारण ये हुआ है। तो दोस्तों आप इस बीमारी से बचने के लिए आप अपने पौधे के आगे कोई जो आपके फ्लावर प्लांट्स हो जिसमें फ्लावर खिले हों, आप उनको इस पौधे के आसपास रख दीजिए, ताकि जो हमारे मधुमक्खी या बाकी कीट पतंगे हैं वो आए और इनका पॉलिनेशन हो पाए, इससे कि मेल फीमेल फ्लावर्स का परागण हो पाए। तो उसके वजह से ये फ्रूट्स आपके नहीं सड़ेंगे और ये आपके हार्वेस्टिंग बढ़िया निकलेगी। दोस्तों अगर अब हम बात करें इनके
प्लांट के लंबे उम्र की, कि हम लंबे समय तक इनसे फ्रूटिंग कैसे लें। तो दोस्तों आप रोज़ शाम को इसमें आप पाइप से, पाइप के द्वारा पानी से इनको, इनके ऊपर छिड़किए, ताकि इसके पत्ते में से धूल हट जाए और पत्ते साफ रहें तो प्रॉपर इसकी लाइफ बनी रहेगी दोस्तों। और आप इसमें हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करिए, ताकि इसमें कोई भी लीफ माइनर, जैसे आपको ये पत्ते हैं इसमें आपको दिख रहे हैं लीफ माइनर, तो आप इसमें हर 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या कोई भी आपको दवाई मिल जाएगी मार्केट से वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक रखना है तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।